चाहूंगा कि काइंड्स ऑफ डिजाइन जॉब्स अवेलेबल इन द मार्केट, किस तरह की डिजाइन जॉब्स मार्केट में अवेलेबल होती हैं और उनका किस तरह का काम होता है वहाँ पे बंदों का, और वहाँ पे इंजीनियर्स किस तरह से काम करते हैं, क्या फंक्शंस हैं उनके. ओके, सो एक जॉब होती है, मैं कहूँगा प्रॉपरली उसको कैड इंजीनियर, एक जॉब होती है डिजाइन इंजीनियर. बट समटाइम्स आपका डेजिग्नेशन होगा डिजाइन इंजीनियर, आप काम कर रहे होंगे कैड इंजीनियर का. हो सकता है आपका डेजिग्नेशन हो कैड इंजीनियर बट आप काम कर रहे हो डिज़ाइन इंजीनियर का. सो टर्म्स पे आप मत जाइए, बात है कि वो फंक्शंस या वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैंडल करता है एक इंजीनियर ड्यूरिंग दीज टू प्रोफाइल्स, वो हम मेनली डिस्कस करना चाहते हैं यहाँ पे. तो अगर मैं बात करता हूँ एक टाइप वन, ओके, कैड इंजीनियर की, अगर लेट्स सपोज मैं बात करना चाह रहा हूँ, तो 2D टू 3D मॉडलिंग मींस ड्राइंग से 3D मॉडल बनाना, उसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, काम करना रहेगा. 3D टू 2D मतलब ड्राफ्टिंग, यानी 3D मॉडल से ड्राइंग्स कन्वर्ट करना रहेगा, उसका दूसरा ऑप्शन. देन कैड डाटा मॉडिफिकेशन, जो सबसे ज़्यादा होता है, मैक्सिमम टाइम्स आपको यही काम करना होता है, कैड डाटा मॉडिफिकेशन. इसका मीनिंग क्या है कि प्रीवियसली कुछ कंपोनेंट बनाया था, अब उसमें कुछ चेंजेस हैं, उनको चेंजेस को पूरा करो. अब वो चेंजेस किस वजह से हैं, उनके पीछे रीजन ये हो सकता है कि ये मेरा पुराने मॉडल में यूज हुआ था, अब मुझे नए मॉडल में यूज करना है, नया कार लॉन्च कर रहा हूँ, यही कंपोनेंट नए मॉडल में यूज करना है, बट थोड़े चेंजेस करने हैं ताकि ये वहाँ फिट हो जाए. पहला रीजन हो गया डाटा मॉडिफिकेशन का. दूसरा रीजन हो सकता है डाटा मॉडिफिकेशन का आपका कि कुछ मैन्युफैक्चरिंग इश्यूज हैं. ओके, मैन्युफैक्चरिंग इश्यूज की वजह से पार्ट मैन्युफैक्चरेबल है नहीं, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम जो है वो उसको बना पा नहीं रहा जिस तरह से डिजाइन किया गया है. सो उस कैड को चेंज करो, उस डाटा को चेंज करो, उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करनी है ताकि वो मैन्युफैक्चर हो सके, या हमें कॉस्ट कटिंग करनी है कुछ, इस वजह से हमें कैड डाटा में मॉडिफिकेशन करनी है. तीसरा ऑप्शन क्या है कि आजू बाजू के पार्ट्स चेंज हो गए हैं, एनवायरमेंट जहाँ वो पार्ट फिट हो रहा था वहाँ के आजू बाजू का एनवायरमेंट चेंज हो गया, उनके कुछ अपने रीजंस रहे होंगे चेंज करने के लिए, इस वजह से अब आपको अपना पार्ट चेंज करना होगा ताकि वहाँ पे प्रॉपर फिट बैठे. तो ये 3-4 रीजंस हो गए, उस वजह से कैड डाटा का मॉडिफिकेशन हमें करना है. फोर्थ ऑप्शन है डाटा मैनेजमेंट. अब डाटा मैनेजमेंट क्या है कि जो भी कैड फाइल्स हैं, ओके, और जो भी आप काम करते हो उसको डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में, PPT में या वर्ड्स में या AVIs में, मीन्स वीडियोस में, आप उनको कन्वर्ट करके रखो और उनको प्रॉपरली मैनेज करना, ठीक है. और अगर मैं यहाँ डाटा मैनेजमेंट की ओर बात करूँ तो आपका CAD डाटा हुआ, असेंबली फाइल्स हुई, बहुत सारी फाइल्स हुई, अलग अलग प्रोजेक्ट्स की फाइल हुई, तो उन सबको प्रॉपरली मैनेज करके रखना, अदरवाइज आखिर में आप सब जंबल्ड हो जाएगा. तो प्रॉपरली मैनेज करना इज़ वन ऑफ द वर्क. ओके, एंड दिस इज आई ऑलरेडी टोल्ड कि PPT क्रिएशन, डॉक्यूमेंटेशन, ये भी एक उस काम है एज ए CAD इंजीनियर का, ये सब वर्क वो करता है. अब मैं केवल एक ही चीज़ हाईलाइट करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, डिस्कस मैं और बाद में करूँगा आपसे, क्या यहाँ पे मैकेनिकल नॉलेज काफ़ी यूज हुई, क्या आपने 4 साल के मैकेनिकल इंजीनियरिंग BTEC BE कोर्स में जो सीखा वो यहाँ काफ़ी यूज किया, तो आप कहोगे नहीं. क्यों? क्योंकि 2D टू 3D करना, यस, आप कहोगे थोड़ा बहुत तो यूज किया है, ड्राइंग टू 3D मॉडल बनाना, बट मेनली आप इसमें सॉफ्टवेयर करना सीख रहे हो, सॉफ्टवेयर करना आ रहा है, सॉफ्टवेयर में आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, आपकी आपको और कॉन्फिडेंट हो रहे हो, बड़े बड़े मॉडल्स के लिए कॉन्फिडेंट हो रहे हो, कैड मॉडिफिकेशन कर रहे हो, मीन्स और टफ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स पार्ट्स को मॉडिफाई कर पा रहे हो, कम टाइम में कर पा रहे हो, 3D टू 2D मॉडल कर रहे हो, वही 3D मॉडल से 2D मीन्स ड्राइंग बना रहे हो, अगेन थोड़ी आपकी नॉलेज यूज हो रही है. बट एक मैं बात यहाँ पे आपको हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि क्या ये आप ही कर सकते हो, क्या इस फील्ड में, अगर मैं बात करूँ BTEC को मैं सेपरेट कर दूँ, तो क्या डिप्लोमा वाले इस फील्ड में काम नहीं कर रहे हैं, क्या डिप्लोमा वाले ये सारी फंक्शनैलिटीज़ नहीं कर रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूँ वो भी यही चीज़ कर रहे हैं और आप भी यही चीज़ कर रहे हो. और समटाइम्स मैंने किसी टिपिकल केस में देखा है कोई BSc वाला भी ड्राफ्ट्समैन बन जाता है और फिर
इस फील्ड की तरफ आ जाता है, तो किसी छोटी कंपनी में वो भी ये काम कर रहा होता है, ठीक है। अगेन मैंने क्या बोला, छोटी कंपनी में, ठीक है, तो वहाँ पे यूज हो जाते हैं इस तरह से, क्योंकि बीएससी वाला समटाइम्स उसको कहीं जॉब मिल गई प्रोडक्शन में, मेंटेनेंस में, वहाँ उसने चीज़ें सीखनी शुरू की, देन उसको किसी ने बोला कि यार तू थोड़ा सॉफ्टवेयर सीख ले कहीं से, हमारा डिज़ाइन का काम भी इस कंपनी का तू ही देख लेना, थोड़ा बहुत ही रहता है, तो उसने वो भी देख लिया। तो मेन इशू क्या है कि हाँ मैकेनिकल यूज़ हो रहा है क्या बहुत ज़्यादा, तो मैं आपको बताऊँगा नहीं यूज़ हो रहा है अगर आपकी प्रोफाइल इस तरह की है। अब हम डिस्कस करते हैं दूसरी प्रोफाइल के बारे में, जो कि टाइप टू है, अगर हम बात करें डिज़ाइन इंजीनियर की। सो सबसे पहला काम है वहाँ पे मटेरियल सिलेक्शन फॉर अ पार्ट, पार्ट का 3D मॉडल बनाना, जो कि टाइप वन में था, पार्ट का 3D मॉडल बनाना विदाउट नोइंग कि मटेरियल कौन सा है, बिना मटेरियल जाने ही पार्ट का 3D मॉडल बना रहे हो आप, आपको पता ही नहीं है किस तरह से मैन्युफैक्चर होने वाला है, किस तरह का पार्ट है, बस आप 3D मॉडल बना रहे हो, वो है CAD इंजीनियर। अब अगर मैं डिज़ाइन इंजीनियर की बात कर रहा हूँ, तो उसको पता है कि मटेरियल कौन सा है उस पर्टिकुलर पार्ट के लिए, और वही मटेरियल क्यों सेलेक्ट किया गया है उस पार्ट के लिए। दीज टू इम्पोर्टेंट थिंग्स। नेक्स्ट वन इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब मटेरियल मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब इस मटेरियल के साथ वो पार्ट कौन सा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यूज करेगा, कौन सा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, अगर मैं आपको यहाँ बोलूँ इंजेक्शन मोल्डिंग हो सकता है, अगर प्लास्टिक पार्ट है तो, शीट मेटल पार्ट है तो प्रेस स्टैम्पिंग हो सकता है, ठीक है, कास्टिंग पार्ट है तो कास्टिंग वगैरह हो सकता है, ठीक है, सो CNC कटिंग भी हो सकती है, बहुत सारे अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस हैं हमारे पास। अगर मैं खाली प्लास्टिक्स में बात करूं तो वो इंजेक्शन मोल्डिंग भी हो सकता है, ब्लो मोल्डिंग भी हो सकता है, ट्रांसफर मोल्डिंग भी हो सकता है, कंप्रेशन मोल्डिंग भी हो सकता है, कोई भी टाइप का हो सकता है, बट कौन सा यूज करना है या कौन सा फिजिबल है हमें यूज करने के लिए, ये कौन डिसाइड करता है, आपका डिजाइन इंजीनियर। अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिबिलिटी ऑफ पार्ट, फिजिबिलिटी ऑफ पार्ट कि ये रियली पॉसिबल है क्या मैन्युफैक्चरिंग करना है इस पार्ट को, जितने भी हमारे पास आज की डेट में मटेरियल अवेलेबल है, जो हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, उन दोनों प्रोसेस के साथ, उन दोनों चीज़ों के साथ मैं फिजिबिलिटी चेक करना चाहता हूँ कि इस तरह के पार्ट हम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है मेंटेन द डिज़ाइन गाइडलाइंस। अब ये डिज़ाइन गाइडलाइंस क्या है, अगर मैं आपको बात बताऊं तो जैसा मैंने पहले भी एक हमारी वीडियो में डिस्कस किया था कि डोर आप शीट मेटल का बना रहे हो, जो भी आपका शीट मेटल का डोर बाहर दिखता है आपको कार में, सो वो 0.8 mm थिकनेस का होता है, नियर अबाउट, कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, 0.8 mm थिकनेस। अगर हम डैशबोर्ड की बात करें तो 2.5 टू 3 mm तक का हो सकता है, ओके, तो अगेन वेरी करता है, बट वहाँ 0.8 और यहाँ सीधा 2 प्लस 2.5 प्लस, इतना डिफरेंस क्यों, क्यों, क्योंकि मटेरियल चेंज हो गया, ओके, मटेरियल चेंज हो गया तो डिज़ाइन वेरिएबल्स चेंज हो गए, तो उसी तरह से डिज़ाइन गाइडलाइंस चेंज हो जाती हैं, थिकनेस चेंज हो गई तो डिफरेंट गाइडलाइंस चेंज हो जाती हैं, जिस तरह का पार्ट हम डिज़ाइन कर सकते हैं या मैन्युफैक्चर कर सकते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग के थ्रू, उस तरह का पार्ट हम शीट मेटल में नहीं बना सकते, ठीक है। नेक्स्ट इशू जो वो फेस करते हैं या जो सोल्व करते हैं, वो हम करते हैं कि फाइंड सॉल्यूशन फॉर मॉडलिंग एज पर मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। अगर कुछ इशू आया कि ये मैन्युफैक्चर होगा नहीं, इस डिज़ाइन में कुछ कमियां हैं, हमारे पास जितना भी टेक्नोलॉजी है उस तरह से ये जो आप डिज़ाइन बनाया है ये मैन्युफैक्चर हो नहीं सकता, कुछ इश्यूज आ जाएंगे, तो वो डिसाइड करेगा कि एक सॉल्यूशन निकालेगा ताकि उसका काम भी बन जाए, वो डिज़ाइन फुलफिल भी हो जाए और मैन्युफैक्चर भी हो जाए, एंड इंस्ट्रक्शंस पार्ट कर देगा, इंस्ट्रक्शंस पास कर देगा वो CAD मॉडिफिकेशंस के लिए, किसको, टाइप वन को, ओके, सो वो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस पास कर देगा CAD मॉडिफिकेशन के लिए, एंड नेक्स्ट इज द सेम वन पासिंग इंस्ट्रक्शन टू CAD इंजीनियर इफ द मॉडिफिकेशन नीडे, मॉडिफिकेशन चाहिए तो इंस्ट्रक्शंस भेज दो CAD इंजीनियर को, इस तरह से मॉडिफाई करना, ये सब। अब हम बात करेंगे DFM, DFA,
DFS, DFMEA, सो ये आप टर्म्स नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, ऑल रिलेटेड टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेनली, ओके, बट कई बार कुछ और फील्ड से भी रिलेशन रह जाता है इनका। अगर मैं DFMEA की बात करता हूँ तो मेनली ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट में यूज़ होती हैं, डिज़ाइन फॉर मैनुफैक्चरिंग, डिज़ाइन फॉर असेंबली, डिज़ाइन फॉर सर्विसेबिलिटी एंड सेफ्टी एंड DFMEA, ओके। सो दीज टर्म्स खाली नाम के लिए नहीं है, ये सारी जो टेक्निक्स होती हैं अगर आप इनको सर्च करोगे, इनकी गाइडलाइन सर्च करोगे DFMEA और DFMEA के लिए किस तरह की गाइडलाइंस हैं, क्या यूज़ हो रही हैं, अगर आप उनके बारे में सर्च करोगे तो वो सब किसी प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए यूज़ होती हैं, लगाई जाती हैं। आपने हो सकता है आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स में भी पढ़ा हो, तो ये सब फंक्शनैलिटीज़, ये जो वर्क है, एज ए डिजाइन इंजीनियर देखता है। एंड देन द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और भी ऑप्शन, और भी बहुत से रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो हैंडल करता है, बट दिस वन इज द लास्ट अकॉर्डिंग टू मी, इंटरेक्शन विद द CA टीम एंड फाइंडिंग द सॉल्यूशन। तो CA टीम, एनालिसिस टीम जो है, जो NCS पे, अबकस पे, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स पे एनालिसिस करती है, एक लोकेशन फाइंड करती है कि कहाँ स्ट्रेस ज़्यादा है, कहाँ स्ट्रेस कम है, उनके साथ डिस्कस करते हैं, देन फाइंड करते हैं कि एक अच्छा सॉल्यूशन, कि हमें CAD में ये मॉडिफिकेशन करनी चाहिए, मॉडल में ये मॉडिफिकेशन कर देनी चाहिए, तो देन स्ट्रेसेस कम हो जाएंगे यहाँ पे। उस तरह के डिस्कशंस के बाद जो डिज़ाइन इंजीनियर है वो ही आपका क्या करता है, डिसीजन लेता है कि ये चेंजेस होने चाहिए और इस हिसाब से हमारा फेलियर नहीं होगा पार्ट में, और उसने डिसाइड कर लिया, सॉल्यूशन डिसाइड कर लिया, एंड अगेन CAD डाटा मॉडिफाई करना है तो किसको भेज देगा, डिज़ाइन इंजीनियर को, सो CAD मॉडिफिकेशन के लिए। ये वर्क होता है दो डिज़ाइन प्रोफाइल्स में, ये डिफरेंसेस है। और अब आप सोच सकते हो कि आपको किस तरफ जाना है, ठीक है। सो बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे ये सॉफ्टवेयर आता है, मुझे वो सॉफ्टवेयर आता है, मुझे पांच सॉफ्टवेयर आते हैं। सो आप पांच सॉफ्टवेयर आते हैं तो आप ये काम कर सकते हो कि ये काम कर सकते हो, मैं बोलूँगा आप इन दोनों में से कोई भी काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपको किसी एक सॉफ्टवेयर में एक्सपर्ट बनना है, ना कि पांच सॉफ्टवेयर में। यहाँ पे एक सीधी सी बात है, एक साथ पांच सॉफ्टवेयर में कोई कंपनी काम नहीं कराएगी, और एक साथ पांच सॉफ्टवेयर में कोई कंपनी काम भी नहीं करती। खाली मैं CAD सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ, मिक्सर तो बहुत कुछ है, ठीक है, एनालिसिस के एक दो सॉफ्टवेयर्स होते हैं हर कंपनी के पास, CAD के भी दो तीन सॉफ्टवेयर्स में काम कर रही होती है, बट एक डिजाइन इंजीनियर से एक बार में एक ही सॉफ्टवेयर पे काम कराया जाता है, ठीक है। और जब आप फ्रेशर हो, नए हो, दो तीन साल पहले के पास आओ, तो किसी भी केस में आपसे एक ही प्रोफाइल पे पहले काम कराया जाएगा एक ही सॉफ्टवेयर के साथ, ठीक है। अब बात आ जाती है यहाँ पे कि सॉफ्टवेयर सीखना जरूरी है क्या, सॉफ्टवेयर के बिना जॉब नहीं मिलेगी क्या। मैं आपको यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ बात कि सॉफ्टवेयर के बिना भी जॉब मिलती है। सॉफ्टवेयर की वैल्यू 30-40% है। अगर आप इन दोनों में से किसी भी जॉब के लिए जाना चाहते हो तो सॉफ्टवेयर की वैल्यू 30-40% है। हाँ, मैं कह सकता हूँ कि इस केस में थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है, सॉफ्टवेयर आना चाहिए, बट सॉफ्टवेयर आने से काम नहीं बनेगा, आपने इंडस्ट्रियल पार्ट्स पे भी काम किया होना चाहिए, ठीक है, इंडस्ट्रियल पार्ट्स की भी नॉलेज होनी चाहिए। सो इंडस्ट्रियल पार्ट्स की मॉडलिंग भी अगर आपने की है तो चांसेस आपके टाइप वन की जॉब के लिए बनते हैं, बट अगर आपने स्टडी अच्छी की है, आपने अपनी इंजीनियरिंग में सब चीज़ें का सब कंसेप्ट अच्छे से पढ़े हैं और उनको यूज कर सकते हो रियल टाइम में किसी भी कंपनी में, आपको समझता है किस मटेरियल के लिए क्या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है और वो क्यों होता है, अगर हम एक कोई 3D मॉडल डिज़ाइन कर रहे हैं तो वो किस तरह से उसकी मैन्युफैक्चरिंग फिजिबिलिटी चेक करेंगे, ठीक है, ये सारी नॉलेज अगर मैं कहूँ आपको कि आप 70% ऑफ योर मैकेनिकल नॉलेज गोइंग टू बी यूज व्हेन यू आर वर्किंग एज अ डिज़ाइन इंजीनियर, तो दिस इज़ द प्रोफाइल फॉर यू, ओके। और यही मेन फंडा है कि यही इश्यूज हो जाते हैं कुछ लोगों के साथ बाद में, कि वो लोग डरते हैं जॉब चेंज करने के लिए, जॉब चेंज करने के लिए डरते हैं क्यों। अगर मैं आपके को बात करता हूँ कि एक 2 years एक्सपीरियंस, ठीक है, आपको 2 years का एक्सपीरियंस हो गया किस इस प्रोफाइल के साथ, ओके, 2 years का एक्सपीरियंस हो गया, अब आप जॉब चेंज करना चाहते हो, स्विच करना चाहते हो, तो आपके अंदर एक डर रहेगा। क्या डर रहेगा, आपको ये आता है
2D मॉडलिंग, 3D मॉडलिंग, CAD मॉडिफिकेशन, डाटा मैनेजमेंट एंड PPT क्रिएशन। आपको इसमें मैकेनिकल जैसा क्या आता है, या आप मान लो जो मॉडिफिकेशन करते थे या जो काम करते थे, आप ऑटोमोटिव में काम करते थे, डैशबोर्ड पे काम करते थे, ठीक है, तो आपने डैशबोर्ड का CAD मॉडिफिकेशन करना आपको पता है अकॉर्डिंगली। आप खाली CAD मॉडिफाई डैशबोर्ड का ही कर सकते हो, वॉशिंग मशीन का नहीं कर सकते? कर सकते हो। बम्पर का नहीं कर सकते? कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, बट जब इंटरव्यू होगा आपका, तो सामने वाला खाली आपसे CAD नॉलेज नहीं जानना चाहता, वो खाली यही नहीं जानना चाहता कि आपको CAD CAD आता हो, वो चाहता है आपको ये चीजें भी पता हो, आपको पता हो मटेरियल सिलेक्शन क्या है, क्यों है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, मैन्युफैक्चरिंग फिजिबिलिटी क्या है, वो सब चीजें भी पता हो, ठीक है। और इसी ही वजह से वो लोग स्विच करने के लिए, दूसरी जॉब करने के लिए डरते हैं और सेम कंपनी में रहते हैं। अगेन थोड़ा सैलरी भी उनका इसी वजह से कम रहता है, ठीक है। जबकि मैं टाइप टू की अगर बात करूं तो उनको कभी कोई डर नहीं लगता, ठीक है, वो इजीली किसी भी जॉब को स्विच कर सकते हैं, उनके पास बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल हैं और मार्केट में सबसे ज़्यादा जॉब्स उनके लिए अवेलेबल हैं। इवन अगर वो डैशबोर्ड में काम करते हैं तो कल वॉशिंग मशीन की कंपनी में भी स्विच हो सकते हैं, ठीक है। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि उनको नॉलेज प्रॉपर है काम की, पूरे पार्ट की, जीरो से आखिर तक उसके मैन्युफैक्चरिंग, उसके मटेरियल सिलेक्शन की, एवरीथिंग की उनको पूरी नॉलेज है, समझ है, इस वजह से, ठीक है। सो ये मेन चीज़ें थी।